जय शनि देव। प्रिय भक्तगणों, जो मंगल देवता 15 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन शाम को 6:22 तक मकर राशि में विराजमान थे, वो मंगल देवता 15 मार्च 2024 को 6:22 पर ही मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 23 अप्रैल 2024 के लिए। मतलब 23 अप्रैल 2024 तक वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो मंगल देवता का मकर राशि से कुंभ राशि में जाना हम सब लोगों के जीवन को, चाहे आप मेष राशि से लेकर मीन राशि तक किसी भी प्रकार की राशि में क्यों ना बिलीव करते हो, किसी भी राशि में क्यों ना बिलोंग करते हो, तो आप सबको यानी हम सबको किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इसकी चर्चा करने के लिए मैं गुरु रजनीश ऋषि स्वामी राज ऋषि के साथ आज पुणे आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को भगवान शनि देव की तरफ से, अपनी तरफ से और स्वामी राज ऋषि की तरफ से हार्दिक बधाइयां देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, और आपके जीवन में सुख शांति और सौभाग्य की वर्षा निरंतर होती रहे इस बात की कामना करता हूं। जिन लोगों का आज या तो जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी है या उनके जीवन का कोई विशेष दिन है, तो ऐसे सभी लोगों को हम सबकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद। तो इसकी चर्चा मंगल देवता का जो राशि परिवर्तन हो रहा है मकर राशि से लेकर कुंभ राशि में, इसकी चर्चा प्रारंभ करने से पहले इस समय यानी 15 मार्च 2024 शाम को 6:22 पर आसमान में ग्रहों की स्थिति क्या क्या थी, कौन सा ग्रह किस राशि में विराजमान था, सबसे पहले हम उस बात की जानकारी आपको देना चाहेंगे। कन्या राशि में केतु महाराज विराजमान है, वक्री चाल चल रहे हैं। मंगल शनि और शुक्र तीनों जाके विराजमान होंगे कुंभ राशि में। मीन राशि में विराजमान है सूर्य बुध और राहु। बृहस्पति देवता मेष राशि में विराजमान है, चंद्र देवता वृषभ राशि में विराजमान है। तो यह ग्रहों की स्थिति उस समय पर बनती हुई नजर आ रही है। तो बात करूंगा मेष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, यानी एरी जोड़ियाक साइन वाली व्यक्तियों की जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो एरी जोड़ियाक साइन वाले व्यक्तियों, आपके जीवन में जो मंगल देवता यानी आपके तो अपने ही स्वामी हैं, वो जा रहे हैं धन के भाव में, आपकी तिजोरियों में जाके बैठने वाले हैं, साथ में है शनिदेव और साथ में है शुक्र देवता। अब भैया ये तीनों अगर आपकी तिजोरी में जाके बैठेंगे तो वल्ले वल्ले तो आप ही की होनी है, माता लक्ष्मी तो आपकी तिजोरी में आके समा जाएंगी, धन के भंडारों में बरकत होगी, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। इस समय का लाभ उठाइएगा, बिल्कुल भी मत चूकिएगा इस समय का लाभ उठाने के। हालांकि साथ ही साथ आपके खर्चों में, क्योंकि खर्चे वाले घर में बुध देवता राहु देवता और सूर्य देव का बैठ जाना और वहां पर ग्रहण का लगना, हालांकि ग्रहण वहां लगेगा तो कुछ तो आसानी होगी, लेकिन बुध देवता और सूर्य देवता आपको बीमारी भी दे सकते हैं, थोड़ी परेशानी सरकार की तरफ से भी हो सकती है। वाणी के देवता हैं, व्यापार के देवता हैं, बुध देवता बुद्धि के देवता हैं, तो कहीं बुद्धि को भी ह्रास होना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा संभाल के चलिएगा, कोई उल्टी सीधे काम मत करिएगा ताकि परेशानी का सामना करना पड़े, सरकारी प्रकोप का सामना करना पड़े या कहीं और किसी परेशानी का सामना करना पड़े, स्पेशली बीमारियों से भी बच के रहिएगा, या यही मैं आपको सजेशन दे रहा हूं। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है मेष राशि वालों, अगर आप फिर भी किसी विशेष परेशानियों से परेशान हो रहे हैं अपनी जन्म कुंडली के पर्सनल ग्रहों के वजह से, तो आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर मेरा यानी गुरु रजनीश ऋषि का या स्वामी राज ऋषि का एक वीडियो कॉल का अपॉइंटमेंट या पर्सनली मिलने का अपॉइंटमेंट अपने आप भी बुक कर सकते हैं या फोन करके बुक करा सकते हैं, और जो 24/7 हेल्पलाइन है उसी के द्वारा आप पर्सनली अपने आप भी बुक कर सकते हैं। वो नंबर है 6364650078। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट अपने आप ही बुक करा सकते हैं। तो
तो ऐसा मौका आपको और कहाँ मिलेगा, भगवान शनिदेव की कृपा ही आप पर बरस रही है, तो इस वजह से उन्होंने हमें आदेश दिया। तो मैं और स्वामी राज ऋषि जी आपकी मदद करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं शुक्रवार को और शनिवार को, ताकि आप अपने जीवन को आसान बना सकें, आरामदायी बना सकें, शुभता प्रदान कर सकें और परेशानियों को किक आउट कर सकें। तो देर मत करिए, अभी कॉल करिए। किंतु ध्यान रखिएगा, भगवान शनिदेव के इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं निशा अयोध्या से बोल रही हूँ और मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, जिसकी वजह से मैं गुरु रजनी जी से कनेक्ट करी। मेरा बैठे बैठे पूरी शरीर दर्द करने लगे थे, डॉक्टर बोले हैं कि मुझे वीकनेस है जिसकी वजह से शरीर में दर्द होती है। ये उठा जब से मैं पहनी हूँ तब से मेरा पढ़ने में मतलब कि 12-13 घंटा बैठ तक बैठती हूँ, मेरा मन नहीं उठता है, बट जिसकी वजह से मेरा पढ़ने में मन भी लग रहा है और मैं जितना पढ़ती हूँ मुझे 60% या 70% मुझे याद भी रहता है। इसके साथ ही आप सभी लोगों को बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आप लोगों की सुविधा के लिए भगवान शनिदेव के द्वारा जो उन्होंने हमें प्रेरणा दी, उसके आधार पर हमारे शनि पीठ मंदिर ने एक वेबसाइट लॉन्च करी है, www.marriagebiodata.app। इस वेबसाइट का प्रयोग आप अपने या अपने परिवार के सदस्यों की शादी के लिए जो बायोडाटा बनाते हैं उसके लिए आप कर सकते हैं। खूबसूरत डिजाइन और साथ ही साथ सजेशन मिलेगा कि आपको मैरिज बायोडाटा में क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है, ताकि अगर आप एक अच्छा एक इंप्रेसिव बायोडाटा बना पाएंगे तो एक आप एक अच्छे जीवन साथी को अगर आप एक इंप्रेसिव बायोडाटा भेजते हैं, जो भी आपका अलायंस है वहां पर भेजते हैं, तो उनको वो प्रभावित करेगा और उनको आपको एक यथा योग्य जो व्यक्ति आपके योग्य हो और जैसा आप चाहते थे वैसा जीवन साथी दिलवाने में ये मैरिज बायोडाटा बहुत मदद करने वाला है। तो आप जब भी अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए या अपनी संतानों के लिए बायोडाटा बनाएं, तो याद रखिएगा marriagebiodata.app, www.marriagebiodata.app पर जाकर अवश्य ही एक खूबसूरत सा बायोडाटा बनाएं खूबसूरत सी डिजाइन में, ताकि आप अपने जीवन में जीवन साथी के रूप में खुशियां ला सकें। जय शनिदेव।